आवानिका, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। क्वेश्चन है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उन्हें ज्ञान बहुत अच्छा मीठा लगेगा, वे मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। अब ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। उन्हें ज्ञान बहुत अच्छा मीठा लगेगा, वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा, श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। अब ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भाव, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। भृकुटी कक्ष में अपने चमकते हुए स्वरूप को देखेंगे। आत्म अभिमानी भाव, देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह अंतिम जन्म मुझे आना भी इसमें होता है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। उनको ही बताता हूँ, तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले पहले तुम देवी देवता थे, अब ये बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। आप ही देवी देवता थे, अब ये बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म पहले जन्म से शुरू होता। अब बाबा कहते, मैं जो तुम्हें सुनाता हूँ वो है राइट, बाकी जो कुछ सुना वो है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने वाला हूँ। कहा जाता, सच तो बिट्ठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। ये है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई, रास किया, वो है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन, सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वो है सचखंड और ये है झूठ खंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य ये नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ। बाबा समझाते, तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो गए हो। अब तुम्हें बाबा आकर सुल्टा बनाते हैं। जानते हो, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला भगवान है। इस समय सब भक्ति में है, जो भी शास्त्र आदि हैं सब भक्ति मार्ग के। ये गीत गाना आदि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। जानते हो, हमें आवाज से परे जाना है, वापिस जाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मुख से हे भगवान भी नहीं कहना। कभी कभी दुखियों के कहते ना, हे भगवान, हे ईश्वर, हमारे लिए तो कौन सा शब्द है? मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये भक्ति मार्ग के गीत हैं। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जब बाबा आकर ज्ञान से तुम्हें उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पे चलो, जो ईश्वर कहते हैं वो राइट है। बाबा मनुष्य तन में आके सुनाते, तुम कितने समझदार थे और अब बेसमझ बन गए। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए। यहाँ का जो होगा उन्हें ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला, सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा ज्ञान से पहले गीता प्रेमी थे, प्रतिदिन गीता पाठ करते थे। यहाँ तक कि ट्रेन में भी होते तो अपना नित्य नियम करते थे। जब ज्ञान मार्ग में चले तो समझ में आ गया कि अब बाबा वेदों शास्त्रों का सार सुना रहे हैं। बाबा कहते, मैं खुद भी पढ़ता था। बाबा ने कहा, ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं,
ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ, मैं सत्य गुरु हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुने तो उन्हें ज्ञानी कह सकते हैं। बाकी सब है भक्त, श्रीमती श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत, यह है ईश्वरीय मत। कहते रावण मत, यह भगवान की मत। भगवान उवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो। अपने भाग्य को देखो, हम कितने महान भाग्यशाली हैं। इसे तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरु है। माला में ऊपर फूल होता है जो शिव बाबा की निशानी, फिर मेरु दाना ब्रह्मा सरस्वती की निशानी। आदम बीबी उनको कहते हैं, तुम कहेंगे मम्मा बाबा। आदि देव आदि देवी ये संगम के हैं। संगम युग सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाबा आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है ये भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते, बाप कहते हैं यह झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। पूरा चक्र ही 5000 वर्ष का है, वहाँ लाखों वर्ष कह दिया। सच्ची सच्ची है नई दुनिया, यह झूठ खंड, फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना, ये बाप का ही काम है। बाबा कहते भक्ति में जो कुछ पड़ा सब भूलो, ये तुम्हारा बेहद का वैराग है। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते, इस दुनिया में जंगल में चले जाते, ये भी ड्रामा में नूंद है। क्यों का सवाल नहीं उठता, ये बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाबा समझाते ऐसे ऐसे होता। और जो भी धर्म वाले हैं वो स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डायनेस्टी, क्रिश्चियन डायनेस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते, वो पीछे आते हैं। पहले पहले है डीटी डायनेस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर डीटी डायनेस्टी स्थापन करते, फिर से वो दैवी स्वराज्य स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, ना वो गर्भ से जन्म लेता। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया, बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक नहीं स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते फिर राजाई चलती, बोधियों का भी राज्य था। बाबा समझाते सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु होता है एक, वो तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते। बाबा ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वो फिर मुक्ति से नीचे आते, उनकी महिमा काहे की। ज्ञान तो इस समय प्रायलोप हो जाता, बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। ज्ञान क्यों मिलता है? गति सदगति के लिए। वो गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं, इनका दूसरा नाम नहीं। औरों के शरीरों का नाम है, ये है ही परमात्मा, वो ज्ञान सागर है। ये ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है। ईश्वरीय ज्ञान पहले देवी देवता धर्म की आत्माओं को मिलता, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुम्हें ही फल देता हूँ, बाकी दूसरे सब हैं बाई प्लॉट, वे 84 जन्म भी नहीं लेते। बाबा समझाते बच्चे देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की कोई बात ही नहीं, विकारों की भी बात नहीं। सत्यों की दुनिया में खुशी से शरीर छोड़ते हैं, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वो है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं। कल्प पहले मिसल जो मानते वही पद पाते, जो नहीं मानते वो नहीं पाते। सत्युग में सब पवित्र सुख शांति में रहते हैं, सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती। सत्युग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता। ये बॉम्बे पहले नहीं थी, देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं, मीठी नदियां जहां थी वहां देवी देवताएं थे, मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है, क्योंकि स्थान बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, तो एक एक के पास बहुत जमीन रहती है। दिखाते हैं सुदामा ने,
दो मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ करते हैं। अब वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है, समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम दो मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो। सभी जो ब्राह्मण बनते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, अपना ही तन मन धन लगाते हैं, फिर राजाई भी तुम लेते हो। बाबा कहते मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ, मेरा परिचय कोई को है नहीं, ना मैं किस तन में आता हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ, जब पतित दुनिया को चेंज करना होता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मेरा पार्टी संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुम्हें यह थोड़ा ही पता पड़ता कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे, जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा। कशिश होती है, इसमें जो कट चढ़ी हुई थी, जब बाबा ने प्रवेश किया तो तुम्हें कशिश हुई और तुम भागे। जब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रविष्ट हुए तो तुम्हें कशिश हुई और तुम भागे, कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाबा कहते मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है, अब वो कैसे निकले। ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगर उसको कोई देख नहीं सकता। बाबा आकर तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, हमें आकर पढ़ाते हैं। भक्ति में तो ज्ञान है आटे में नमक, जैसे भगवानुवाच अक्षर राइट है, भगवानुवाच अक्षर बिल्कुल राइट है, मन मनाभव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। माम एकम अक्षर राइट है, यह है गीता का युग। भगवान इस समय इस रथ में आकर पढ़ाते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। शरीर को भी रथ कहते हैं, वहाँ यादगार में घोड़ा गाड़ी का रथ दिखाया, उन्होंने दिखा दिया घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का ये रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। ये बेहद बाप का घर है, बाप सब बच्चों को 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। 21 जन्मों के लिए बाबा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं, ये भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता, इस संगम का किसी को मालूम नहीं। बाबा बताते ये ड्रामा 5000 वर्ष का है, आधे में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधे में 2500 वर्ष में बाकी सब धर्म। तुम जानते हो सत्युग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, तुम अब योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। कृष्ण लोग खुद समझते हैं हमें कोई प्रेर रहा है, प्रेरित कर रहा है, जो हम विनाश के लिए सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाबा कहते मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने आया हूँ, बाकी विनाश तो ये करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है बेहद का वैरागी बन, जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना वो सब भूलना है। एक बाबा से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, एक बाबा से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। जैसे बाबा संपूर्ण पवित्र हैं, उस पर कोई कट नहीं, ऐसे ही पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्टधारी का पार्ट एक्यूरेट है, इस गुह्य रहस्य को समझ के चलना है। हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है, इस गुह्य रहस्य को समझ के चलना है। वरदान है बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली भव। बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली भव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा,
वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से होती है। जन्म से बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता, साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए, सर्वशक्तिवान भव ये वरदान देते हैं। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो, एक के द्वारा डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। सर्वशक्तियां बाप का वर्षा, वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल समन से हर बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से होती है। जन्म से बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता, साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए, सर्वशक्तिवान भव का वरदान दे देते। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हैं। श्लोगन है, देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार कमजोरियों से न्यारा बनना ही विदेही बनना है। सरल शब्दों में जो भी पुराने स्वभाव संस्कार हैं वो अपनी ओर खींचे ना, उन्हें स्वीकार करना, भस्म कर देना, ये न्यारा बनना ही विदेही बनना है। आज दादी जी के भी अनमोल महावाक्य हैं, हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी, उनके द्वारा मिली अनमोल शिक्षाएं कानों में गूंजती रहती हैं। लगभग 11 शिक्षाएं हैं, अच्छे से अपने पास नोट करेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे और दृढ़ संकल्प कि अपने जीवन में लाना ही है। पहली बात, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर जल्दी से खत्म कर दो। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर जल्दी से खत्म कर दो। अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो जो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। तीसरी बात, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट बनो, मीठे बनो, मां समान पालना दो। चौथी बात, अधिक सोचने बोलने चिंता करने से शक्ति खर्च होती है, साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा होगी। अधिक सोचने बोलने चिंता करने से शक्ति खर्च होती है, साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पांचवी बात, पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन प्रभु चिंतन करो। खुश नसीब ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते जाओ। पर चिंतन नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन प्रभु चिंतन करो। खुश नसीब ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। किसी की गलती चित्त पे ना हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। सातवीं बात है, किसी की भी गलती चित्त पे ना हो, चित्त साफ रखो तो चैन में रहेंगे। नौवीं बात, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। त्यागी बनने के लिए, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। अपनी स्थिति ऊंच बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते चलो, साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। अपनी स्थिति ऊंच बनानी है, याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो, साधारण बोलने सुनने की आदत ना हो। दसवीं बात, अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। ग्यारहवीं बात, अंतर्मुखी बन जाओ, आठवीं शक्तियां सखी के रूप में साथी सहयोगी बन जाएंगे। अंतर्मुखी बन जाओ, आठवीं शक्तियां सहन शक्ति, समाने की, समेटने की, परखने की, महसूसता शक्ति, सब शक्तियां साथी और सहयोगी बन जाएंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं
सदा शक्तिशाली आत्मा हूं। चलेंगे कुछ पल के लिए शक्ति स्तंभ पर, जहां पर तपस्या का वातावरण है। शांतिवन में स्थित ये शक्ति स्तंभ सर्वशक्तिवान की याद दिलाता है। दादी जानकी जी जो शक्ति स्तंभ बनकर, आदर्श मूरत बनकर समक्ष रही, उनके शब्दों की स्मृति दिलाता है। सच्चाई, सफाई, सादगी,